चलिए, कैसे हैं आप लोग? यारों एकदम ठीक होंगे। पहला दिन है, थोड़ा समय लगेगा रूबरू होने में एक दूसरे से, तो धीरे धीरे कंफर्ट लेवल आता रहेगा। पहले दो मिनट मेरे बारे में बता देता हूँ ताकि हाय हेलो हो जाए, एंड देयर आफ्टर वी गो टू डायरेक्टली स्टार्ट विद द सब्जेक्ट मैटर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज दैट इज द मेन रीजन वाई वी आर ऑल हियर। माय नेम इज शुभम सुक्लेचा, अ फ्यू ऑफ यू नो, अ फ्यू ऑफ यू डू नॉट। माय नेम इज शुभम सुक्लेचा, आई टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ कंपनी लॉ इन ग्रुप वन एंड आई टेक केयर ऑफ सिक्योरिटीज लॉ इन ग्रुप टू। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, कंपनी लॉ सिक्योरिटी लॉ विच आई टीच, एंड आई बिलीव ये दोनों एक ही सब्जेक्ट है, उनका एक्सटेंडेड पार्ट है बस, कि पहले हम पढ़ते हैं कंपनी लॉ विच टेक्स केयर ऑफ द लॉज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज, एंड देर आफ्टर वी रीड सिक्योरिटीज लॉ। सिक्योरिटीज लॉ इज नथिंग बट लॉ फॉर कंपनीज ओनली, बट दिस इज स्पेसिफिकली लॉज फॉर लिस्टेड कंपनीज। तो सिक्योरिटीज लॉ कंपनी लॉ एक ही लाइन में चलता है, वो डिफरेंस इज जस्ट कि कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज। तो जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए हम पढ़ते हैं सिक्योरिटीज लॉ। तो ये सब्जेक्ट मैटर रहेगा, धीरे धीरे मैं और बेसिक्स के अंदर जाऊंगा तब डिस्कशन करेंगे। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कंप्लीटेड माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द ईयर ऑफ 2015 में आई कंप्लीटेड माय सीए। उसके जस्ट पिछले साल में 2014 के अंदर आई कंप्लीटेड माय सीएस, तो आई कंप्लीट माय सीएस फर्स्ट, दैट वाज माय फर्स्ट डिग्री 2014। 2015 में आई कंप्लीट माय सीए, 2016 आएगा ना, यस 2016 में देन आई कंप्लीटेड माय एलएलबी, एंड रिसेंटली 2017 के अंदर आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलएम। सो दीज आर द डिग्रीज आई पजेस। एलएलएम आई हैव डन इन कॉर्पोरेट लॉस, एलएलबी तो जनरली रहता है, एंड देन सीएससीएस ऑफ कोर्स यू आर वेल अवेयर, इसमें डिस्कस करने की बात नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव डन अ फ्यू डिप्लोमास इन कॉर्पोरेट लॉ, इन साइबर लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, एंड द पर्पस ऑफ टेलिंग ऑल ऑफ दिस इज जस्ट कि भाई इज्जत देना थोड़े दिन, वट एवर आई बी टीचिंग यू विल बी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड इन अ वेल फैशन मैनर एज आई हैव रेड लॉन्ग लॉन्ग बैक। उसी तरीके से आई विल बी ट्राइंग टू इम्पार्ट एजुकेशन टू पीपल। द रीजन आई केम इन टू टीचिंग इज जस्ट बिकॉज आई फील दैट द वे वी लुक एट इट अ सब्जेक्ट इज जस्ट कि हम सोचते हैं डे वन से कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के हमें पास होना है। तो द आउटलुक हैज टू चेंज, एंड यू विल रियलाइज ओवर टाइम इन द बैच ऑफ सिक्योरिटीज लॉ कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बैच यू विल बी 100% थरो विद द कंसेप्ट, एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट कि हम पेपर आराम से फोड़ देंगे, बिकॉज द आउटलुक हैज टू चेंज। तो पढ़ाई का आपको थोड़ा सा आउटलुक चेंज कर देना चाहिए। तो द रीजन आई केम इन टू टीचिंग वॉज जस्ट दैट आई बिलीव दैट द आउटलुक हैज टू चेंज, एंड आई वॉज इन्वॉल्व इन टू टीचिंग इवन लॉन्ग बैक, इवन आई क्लियर माई सी ए, उसके पहले से मैं पढ़ा रहा था, बट पोस्ट 2015 आई गॉट इन टू कमर्शियल कोचिंग एज यू सेड। तो पहले आई यूज टू टीच ऐसे घर वगैरह पे, एंड देन आई गॉट इन टू कमर्शियल कोचिंग, एंड वट आई लर्न इज इफ इट ऑल इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर वी गो अहेड, देन द सब्जेक्ट द डिग्री इज गोइंग टू बी डैम वेरी इजी, स्पेशली सिक्योरिटीज लॉ इट विल बी लाइक अ केक वॉक इफ इट ऑल यू रीड इन अ प्रॉपर फैशन। तो हम एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ेंगे, उस तरीके से इट इज गोइंग टू बी वेरी इजी। I'm basically from Rajasthan, Udaipur, and thereafter I came to Pune for pursuing my LLB, and since then it's been 8 years, I've been settled in Pune only. And I've been continuing with this coaching commercially in last 4 years. I'm teaching at a coaching center in last 4 years. So aisa hai, when it comes to securities law, highest marks ki baat karte hain, to aisa hai ki I'm very proud to say 94 is a marks, jo main khud bhi likhun to nahi la sakta paper. At my attempt, I got 73. Securities law, it was one of my favorite subject. But then even if I write the paper again, I will never get 94. In the last results, jo result last aaye the, uske andar securities law old syllabus ke marks ki main baat kar raha hu, new syllabus ke andar highest marks has been somewhere around 65 only, because uske batch ye bhi ek kuch hi results aaye, to 65 to 70 ke highest marks aaye. But aaj tak ke highest ki baat karta hu, to securities law old syllabus ke andar 94. There was a girl from Delhi, she got 89 first. She got 89 in the first set. Thereafter, she applied for revaluation. I don't know why in the world she applied for revaluation. But again, in the revaluation, 89 got 94. So this is of course All India highest marks. Jo ki I don't hope ke wapis in upcoming attempts tootenge bhi sahi. But if at all you people work hard, to any record can be comfortably crossed. Aisa. So 94 has been the highest marks, highest all over India up till now. So iske andar it is just ke the student from Delhi scored it. And if at all she can do it, so of course you can also do it. So she studied also from the same notes and everything. So among my students, 94 has been highest, and I believe this is highest from India as well. This is highest from India as well. So you just need to structure the subject in a very comfortable fashion, and you can be there. Next thing, let's talk about the subject now. It's about me, mera past result wagera. Now let's talk about the subject. Subject ki agar hum baat karte hain, sir, old subject se new syllabus ke andar hum log compulsorily aa chuke hain, so we are talking about new syllabus only.
न्यू और ओल्ड में बहुत जो बड़ा डिफरेंस है वो सबसे बड़ा डिफरेंस ये था, ओल्ड न्यू. सर हम डिफरेंस की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम तो न्यू में ही हैं. नहीं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हाउ द पेपर विल कम, हाउ द पेपर विल कम. द रीजन इज आप जब पास्ट ईयर पेपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो आपको न्यू सिलेबस के हार्डली कुछ 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट के मैक्सिमम पेपर मिल जाएंगे, लेकिन ओल्ड के आपको पेपर्स मिलेंगे. तो क्या ओल्ड के पेपर हमारे काम के हैं या नहीं है, तो चीजों को समझने के लिए ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में मेजर चेंज ही आया. ओल्ड सिलेबस के अंदर द सब्जेक्ट वॉज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. ओके, गिव मी 10 मिनट्स, आई विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट और फिर आप स्कोर पे आएंगे. तो फोकस यहां पे. इन द ओल्ड सिलेबस द सब्जेक्ट्स नेम वॉज कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ. इन द न्यू सिलेबस द सब्जेक्ट्स नेम इज सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट. सर वॉट इनोवेटिव चेंज, अंडरस्टैंड. अर्लियर द बाइफर्केशन वॉज 60 मार्क्स फॉर कैपिटल मार्केट, 40 मार्क्स फॉर सिक्योरिटीज लॉ. ये ओल्ड सिलेबस का बाइफर्केशन था. नए सिलेबस का बाइफर्केशन है 70 मार्क्स फॉर सिक्योरिटीज लॉ एंड 30 मार्क्स फॉर कैपिटल मार्केट. 70 मार्क्स सिक्योरिटीज लॉ एंड 30 मार्क्स कैपिटल मार्केट. सर क्या इंस्टीट्यूट एग्जाम में इसे रिलीजियसली फॉलो करती है? आंसर इज यस. इंस्टीट्यूट पेपर के अंदर क्लियरली आपसे पहले पार्ट ए पूछेगी, दैट विल बी फॉर 70 मार्क्स. देर आफ्टर इंस्टीट्यूट पूछेगी आपसे पार्ट बी, दैट विल बी फॉर 30 मार्क्स. तो जैसा आपके साथ फाउंडेशन में धोखा किया जाता था वैसा धोखा एग्जीक्यूटिव में नहीं होता है. एग्जीक्यूटिव में क्लियर बाइफर्केशन आएगा, पार्ट ए इतने मार्क्स का, पार्ट बी इतने मार्क्स का. ओके सर, पार्ट ए पार्ट बी इस तरह से कह रहे हैं. अगर हम बात करते हैं वेरी केयरफुली, अंडरस्टैंड, आई एम सॉरी, यस प्लीज, कैन टी शर्ट चेक करूं? ओके, आई थॉट डाउट आ गया कोई. बेसिक्स के पहले एकदम कंफर्टेबली, यस, पूरी क्लास का फोकस यहां पर. मैं अगर सिलेबस के ओवरव्यू की बात करता हूं, अभी हम बेसिक एकदम हमें समझ में तो आना चाहिए ना कि सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, फिर हम एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. तो मैं सिलेबस के ओवरव्यू की बात कर रहा हूं अभी. ओवरव्यू, अगर मैं सिलेबस के ओवरव्यू की बात करता हूं सिक्योरिटीज लॉ के सिलेबस के ओवरव्यू की, तो सिक्योरिटीज लॉ जैसे कि मैंने आपको बताया द सब्जेक्ट सिक्योरिटीज लॉ कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट 70 मार्क्स, दिस इज व्हाट दिस इज सिक्योरिटीज लॉ. द सेकेंड पार्ट दैट इज फॉर 30 मार्क्स, दैट इज कैपिटल मार्केट. अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, जब भी हम पढ़ेंगे हमारा बेस हमेशा मॉड्यूल ही रहेगा, मॉड्यूल को बेस रखते हुए हम पढ़ेंगे. अगर मैं मॉड्यूल की बात करता हूं तो मॉड्यूल ने क्या किया है, इस 70 मार्क्स के लिए यहां पर दिए हैं आपको 3 एक्ट एंड नियर अबाउट 11 रेगुलेशंस. वेरी केयरफुली अंडरस्टैंड, आई एम डिस्कसिंग दिस सिलेबस ऑफ सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट. तो इंस्टीट्यूट हैज केप्ट 3 acts here and 11 regulation. Sir, what is the difference between an act and a regulation? तो ये भी हम पढ़ेंगे syllabus के अंदर. Act वो हो गया जो proper आपका राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट इन दोनों ने पास कर दिया, दोनों हाउसेस ने प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, फिर वो बन गया एक्ट. ठीक है, रेगुलेशन बनाने की पावर है सेबी के पास, रेगुलेशन बनाने की पावर है सेबी के पास. सर व्हाट इज सेबी, ये मैं बेसिक्स में पढ़ाने वाला हूं, बट आप समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो पूरी अथॉरिटी है वो दे दी है सेबी को. जैसे कि बैंक्स को मैनेज करने की पावर आरबीआई को दे दी है, जैसे कि हम कंपनी लॉ में बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैज दी अथॉरिटी, वैसे ही सिक्योरिटीज लॉ में जो माई बाप है हमारा पूरा गवर्नमेंट जिसके हाथ में है दैट इज सेबी. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द पावर टू सेबी टू मैनेज ऑल द अफेयर्स रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट. तो हमारे लिए सेबी है, रेगुलेशंस बनाता है सेबी एकदम आराम से. तो रेगुलेशंस आर मेड बाय सेबी, वेयर एज दीज 3 acts आर पास बाय वही लोकसभा राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट असेंट. लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट का असेंट मिला, फिर वो एक्ट बना. और ये इस तरह से 3 act बने जो हमारे सिलेबस में है, और देर आर 11 regulations जो हमारे सिलेबस में है जो कि सेबी ने बनाई है. ओके, 3 act कौन कौन से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. सर ये क्या गवर्न करती है एकदम ध्यान से समझना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट
रेगुलेशन एक्ट, कहने का मतलब है कि जब भी देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट अमंग सिक्योरिटीज, अगर आप नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ जाता है, बट वेन एवर यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग इन सिक्योरिटीज, हम सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, सिक्योरिटी बेच रहे हैं, सिक्योरिटी मतलब सर बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, आप जब सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं तब आ जाएगा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, किस तरह से सिक्योरिटीज के कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट किया जाएगा। तो ये हमारा पहला एक्ट आ जाता है सिलेबस में। ओके, दूसरा एक्ट आपके सिलेबस में आ जाएगा सेबी एक्ट 1992। अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सेबी एक्ट में क्या कि सर ये अथॉरिटी आई कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब बनाया, कैसे बनाया सेबी को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 1992 में लगा कि सिक्योरिटीज लॉ को गवर्न करने के लिए वी नीड अ सेपरेट बॉडी, एंड दैट सेपरेट बॉडी वॉज नेम्ड एज सेबी। तो 1992 में सेबी बना, तो दिस इज सेबी एक्ट 1992। और इसके साथ में एक्ट का जो लास्ट थर्ड एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो ये क्रोनोलॉजिकली भी सही है, पहले हम 1956 का एक्ट पढ़ेंगे, फिर 1992 का एक्ट पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे 1996 का एक्ट। सर ये डिपॉजिटरीज क्या है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। वो एंटिटी जो हमारे पहले शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हुआ करते थे उसको अब कन्वर्ट कर दिया है डीमैट फॉर्म में, तो जिस एंटिटी ने वो कन्वर्जन किया है दैट एंटिटी इज डिपॉजिटरी, दैट एंटिटी इज डिपॉजिटरी। तो ये तीनों मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन हाँ दीज आर द थ्री एक्ट इन आर सिलेबस। ये तीन एक्ट हमें पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है SCRA 1956, सेबी एक्ट 1992 एंड डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है सर, ये तीन एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद में आपके सिलेबस में दिल भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 regulations, there will be 11 regulations। अब मैं एक एक करके सारे regulation अभी लिख के आपका time waste नहीं करूंगा, but I'm giving you a brief idea। जैसे कि एक आ गई ICDR regulation, issue of capital and disclosure requirement, एक आ जाएगी बड़ी LODR regulation, और ये recently amend हुई थी ICDR regulation 2018, एक नई regulation है, हम नई वाली regulation पढ़ेंगे directly, ये हो गया। फिर एक आ जाएगी आपकी buyback regulation, बायबैक भी रिसेंटली अमेंड हुई है 2018 की रेगुलेशन हम पढ़ेंगे 2018 रेगुलेशन। फिर आ जाएगा आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, फिर आ जाएगा टेकओवर कोड। मतलब ये क्या है, सेबी ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं वो रेगुलेशंस हमें पढ़ने हैं। सर सेबी ने टोटल कितने रेगुलेशंस बनाए, सेबी ने 50+ रेगुलेशंस बनाए, लेकिन हमारे सिलेबस में सारे रेगुलेशंस नहीं है, मॉड्यूल ने हमारे सिलेबस में रखे हैं सिर्फ 11 रेगुलेशंस। तो हमें वो 11 रेगुलेशंस पढ़ने जो सेबी, जो इंस्टीट्यूट ने ICSI ने हमारे सिलेबस में रखे। ठीक है सर, तो ये तीन एक्ट और ये 11 रेगुलेशन जिस दिन हमारे हो गए उस दिन हमारे एग्जाम के कितने मार्क्स पक्के हो गए, 70 मार्क्स। सर क्या ऐसा कोई बाइफर्केशन है क्या कि अमंग 70 एक्ट कितने मार्क्स का आएगा और रेगुलेशन कितने मार्क्स का आएगा? नो, देयर इज नो बाइफर्केशन। बट अगर मैं हिस्ट्री के पेपर्स के हिसाब से बोलूं तो एग्जाम में एक 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 क्वेश्चन इन तीनों से आता ही है, एक 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 क्वेश्चन इन तीनों से आता ही है। सर क्या हर एक रेगुलेशन से एक क्वेश्चन आता है? नहीं, कुछ रेगुलेशन से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ से कम भी आते हैं, कुछ से नहीं भी आते हैं, लेकिन तीनों एक्ट से एक एक क्वेश्चन आता है। तो सर इससे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि एक्ट तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना है और फिर हमें रेगुलेशन भी पढ़ना है, लेकिन एक्ट में तो कोई स्कोप नहीं कि आप एक भी टॉपिक को स्किप कर सकें, बिकॉज एक्ट से एक क्वेश्चन जनरली आता है। तो एग्रीगेट में इन दोनों से मिला के आएंगे 70 मार्क्स के क्वेश्चन। ओके सर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 30 मार्क्स कैपिटल मार्केट। मॉड्यूल हैज गिवन जस्ट 2 चैप्टर्स, मॉड्यूल ने सिर्फ 2 चैप्टर दिए यहां पे। सिर्फ ये 2 चैप्टर्स हैं जो एग्जाम में आएंगे फॉर 30 गुड मार्क्स। मॉड्यूल में 2 चैप्टर हैं जो कि 30 गुड मार्क्स के लिए आएंगे। ये 2 चैप्टर आपने पढ़ लिया तो एग्जाम में पार्ट भी आपका आएगा विच विल बी फॉर 30 मार्क्स। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है, देखा है, पढ़ा है, तो जब अगर अपन ग्रुप 1 में देखते हैं तो ग्रुप 1 में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि जो मैं पढ़ाता हूं, कंपनी लॉ, सेटिंग अप, उनकी मैं बात करूं तो उनके कुछ जबरदस्त फीचर थे। जैसे कि सेटिंग अप के मॉड्यूल की बात करो तो जिन लोगों ने अगर दिया है, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, सेटिंग अप के अंदर एक था पार्ट सी। ये पार्ट सी ऐसा है, ये मॉड्यूल के 40 पेजेस हैं जो एग्जाम में 25 मार्क्स के लिए आता है। तो हर एक समझदार व्यक्ति क्या करता है कि ये पार्ट सी को तो घोल के पी लेगा, अरे दिस इज मॉड्यूल के कितने 40 पेजेस जो कि एग्जाम में आएंगे फॉर 25 मार्क्स। वहीं इसका सेटिंग अप का एक पार्ट बी भी तो है, मॉड्यूल के 200 पेजेस और वो एग्जाम में आएंगे फॉर 35 मार्क्स। तो आप ये बाइफर्केशन समझ रहे हैं क्या हो रहा है, अरे 200 पेज पढ़ के कितने मार्क्स मिलेंगे, 35,
और साहेब यहाँ पे हमें 40 पेज पढ़ के कितने मार्क्स मिलेंगे? 25। और ये फाउंडेशन नहीं है कि एग्जाम में धोखा हो जाए। मैं फाउंडेशन की बात है, फाउंडेशन में कोई भरोसा नहीं होता है कौन से टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे। एग्जीक्यूटिव में पेपर में एक अलग सेक्शन आता है, देयर बी अ पार्ट सी ऑफ 25 मार्क्स, तो एग्जाम में धोखा नहीं हो सकता। सो अकॉर्डिंगली यू कैन स्ट्रेटेजिकली स्टडी। सर इसका रेफरेंस आपने क्यों दिया? इसका रेफरेंस मैंने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए एक बहुत स्कोरिंग पार्ट आता है। सिक्योरिटीज लॉ में भी हम हमारे पूरे एफर्ट्स देके पढ़ेंगे पार्ट ए को, क्योंकि पार्ट ए आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा मानना है। इंटरव्यूज बोलो या कहीं पे पार्ट ए में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर लुकआउट से, ठीक है, लेकिन एग्जाम लुकआउट से ये आपके लिए इट इज लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया। व्हाई दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग एरिया? 30 मार्क्स के लिए सिर्फ 2 चैप्टर है और यहां पर कोई लॉ नहीं है, यहां पे सिर्फ आपके हैं कंसेप्ट्स, सिर्फ आपके हैं कंसेप्ट्स। तो जब मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, आपको पिछले अटेम्प्ट के पेपर में क्लास में दिखाता चलूंगा, तब आप देखोगे इन 30 मार्क्स के लिए एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आप समझ रहे हो केस स्टडी क्वेश्चन क्या होता है? कि आपको घुमा फिरा के पूछ लिया कि राम ने ऐसे किया, श्याम ने ऐसे किया, बताओ कौन सा लॉ वायलेट हुआ। ऐसा क्वेश्चन उन 30 मार्क्स के लिए आ ही नहीं सकता, बिकॉज वो 30 मार्क्स में कोई लॉ है ही नहीं। दोज आर डायरेक्ट कंसेप्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस दिस दिस, व्हाट इज दिस, डिटेल एक्सप्लेन दिस। तो वहां पे दैट मेक्स इट वेरी स्कोरिंग फॉर अस। 70 मार्क्स बहुत स्कोरिंग है, मेरा विश्वास मानो। इफ इट ऑल यू स्ट्रक्चर तरीके से स्टडी ना, तो आप इस सब्जेक्ट में आई एश्योर यू 70+। 70 के ऊपर आप आराम से फोड़ दोगे अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ते हैं तो। एंड इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू स्कोर 70+ इन दिस सब्जेक्ट। मैं ये चीज खुद कंपनी लॉ के लिए नहीं बोलता हूँ, कंपनी लॉ में 70+ लाना आसान नहीं है, भले ही आप कितना भी अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन सिक्योरिटीज लॉ में लाना बहुत बहुत आसान है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। तो ये आपके सिलेबस का होता है ओवरव्यू। तो सिलेबस में सर टोटल चैप्टर्स कितने? एकदम आराम से अगर मैं टोटल चैप्टर्स की बात करूं तो 3 तो एक्ट हो गए, 11 रेगुलेशन हो गए, ये हो गया पार्ट ए। तो पार्ट ए में कितने चैप्टर्स हो गए? 14। उसके बाद में यहां पे आते हैं 2 चैप्टर, तो ये हो गया पार्ट बी। पार्ट बी में चैप्टर्स हो गए 2। तो इन द एंटायर सिलेबस देयर आर ओनली 16 चैप्टर्स। द सिलेबस इज वेरी स्मॉल, बट इट इज जस्ट दैट इट इज अ लिटिल डिफिकल्ट एट टाइम्स। कुछ पार्ट बहुत डिफिकल्ट है तो हमें टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कर लेंगे हम लोग। लेकिन सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं, जहां पे फर्स्ट 14 चैप्टर्स आर फॉर 70 मार्क्स एंड द लास्ट 2 चैप्टर्स आर फॉर 30 मार्क्स। ओवरव्यू क्लियर है एक बार सबको? चलो कोई क्वेश्चन है यहां पे? एकदम सिंपल चल रहा है। एक बार मॉड्यूल की मुंह दिखाई कर लेते हैं। मॉड्यूल मॉड्यूल मॉड्यूल, क्या बात है, ये रहा मॉड्यूल। चलो ये वो चीज जिससे थोड़ा सा आपका खौफ बना रहेगा हमेशा हर एक सब्जेक्ट में, बट विश्वास मानो जिस सब्जेक्ट का आपने मॉड्यूल कर लिया है उस सब्जेक्ट में जितने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे उतने आप किसी सब्जेक्ट में नहीं रहेंगे। तो ये आपने लिए रूल बना के रखना कि मॉड्यूल करना ही करना है। अब आप बैच के साथ में कर सकते हो तो हर एक चैप्टर की बात कर लेना, ठीक है। बैच के साथ में नहीं कर सकते हो तो जब बैच खत्म होता है तो पहले एक चैप्टर अपने नोट से अच्छे से रिवाइज किया, फिर वही चैप्टर मॉड्यूल से भी कर लो। बाकी मॉड्यूल करना है मतलब करना है, मॉड्यूल 100% आपको रीड करके जाना है। अब अगर मैं मॉड्यूल देखता हूँ, ये देखो, जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहला पार्ट है सिक्योरिटीज लॉ। सर यहाँ पे 70 मार्क्स तो लिखा ही नहीं है कहीं पे? अरे वो आगे लिखा होगा कहीं पे, वो भी आपको यहाँ पे नहीं है भाई, कहीं ना कहीं आगे इन्होंने, अरे लिखा है, पीछे गया क्या? अरे यार, अरे सही में 70-30 है, विश्वास करो मेरा। चोर लिखे नहीं, अरे है, मतलब वो मिल नहीं रहा है मुझे भी। इट इज फॉर 70 मार्क्स, इतना विश्वास मान लो मेरे पे। दिस इज फॉर 70 मार्क्स, दिस इज फॉर 30 मार्क्स। ओके ठीक है सर, अपन ने जैसे पढ़ा ना कि देर आर 3 एक्ट, ये रहे वो 3 एक्ट, तो अपन लोग एकदम रेप्लीकेट करके पढ़ेंगे कि अपने नोट्स, मतलब एग्जैक्ट आपको लगेगा कि वही चीज अपन ने जो मॉड्यूल है वैसा वैसा अपन ने नोट्स के अंदर रेप्लीकेट, सेम चैप्टर इसलिए रखें ताकि आप अपने नोट्स होने के बाद मॉड्यूल पढ़ सकें। और अगर आपको कहीं पे भी तकलीफ आती है तो आप साथ में मुझसे पूछ के रैपअप भी कर सकते हैं। बैच के बाद भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो विल स्ट्रक्चर अ टाइमिंग जिसमें आप मुझे भेज के रैपअप कर सकते हैं उन टॉपिक्स को। तो ठीक है, तो ये हो गया चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, ये सारे 3 एक्ट हो गए। इसके बाद में देखो क्या आने चालू हो गए, रेगुलेशंस, एंड दीज आर ऑल रेगुलेशंस मेड बाय सेबी। तो हर एक रेगुलेशन का नाम सेबी रेगुलेशन रेगुलेशन ही होता है, समझ रहे हो, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है कि उन्होंने रेगुलेशन किसके ऊपर बनाया है। तो उन्होंने किसके ऊपर बनाया, तो आगे यहां पे जैसे कि सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशन, ये 1998 मैंने आपको बताया ना कि रिसेंटली अमेंड हो गया,
और नई रेगुलेशन आ गई 2018, एक आईसीडीआर में भी रिसेंटली आ गई 2018, तो हम तो सारा अमेंडेड पार्टी पढ़ेंगे, तो हमें कहीं कन्फ्यूजन होना नहीं है। चलो ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इस तरह से आपके पूरे आ गए। सबसे पहले 14 चैप्टर्स, ये 14 चैप्टर्स के अंदर देर आर 11 रेगुलेशन 3 एक्ट। सर ये म्यूचुअल फंड, ये भी एक्चुअली म्यूचुअल फंड रेगुलेशन है, सीआईएस रेगुलेशन है, तो कोई टेंशन नहीं है। 11 रेगुलेशन 3 एक्ट एंड पार्ट ए वुड बी डन। ओके सर, ओके। देन पार्ट टू आता है अपना कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट, उसमें 2 चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट। सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट एक छोटा सा चैप्टर है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, सिंपल हिसाब, इससे एक क्वेश्चन आता है, समझ लो 4 मार्क्स का। और कभी अगर बहुत ही एग्जामिनर दीवाना हो गया तो इस पर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है 4 मार्क्स का, बाकी इससे ज्यादा इस चैप्टर की मतलब वो नहीं है कि इस चैप्टर में इतना है ही नहीं कि कुछ पूछे, बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो बचता है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब इस चैप्टर से एग्जाम में 22 से 26 मार्क्स का पेपर आएगा, ये बात तय है। बिकॉज जब मैं इस चैप्टर को दिखाऊंगा अभी 15 और 16 को, ये रहा 15 और 16, तो हम देखते हैं 16 चैप्टर के नंबर ऑफ पेजेस तो देखो कितने, 10 पेज का चैप्टर है, और उसमें भी तो अपन ने ये सब भी गरीब गिन लिए, दिख रहे हैं लेसन राउंड अप, अपना ग्लॉसरी ने ये सब, मतलब अगर काम की चीज देखें तो 302 से 310, मतलब 8 पेज में चैप्टर हो जाता है खत्म। तो 8 पेज के चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है जनरली, या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ये पिछला वाला चैप्टर देखो, ये शुरू हो रहा है 264 और ये चल रहा है 299, या फिर अगर अपन यहां से भी 293, 64 से 94 मान लेते हैं अपन लोग, 74, 84, 94, सो दिस रन अराउंड फॉर 30 पेजेस, 64, 74, 84, 94, तो 30 पेजेस का चैप्टर है, और ये 30 पेजेस के चैप्टर में एग्जाम में 22 से 26 मार्क्स का आना है। और ये तो मैं मेरा ओपिनियन कहते तो मान लो, लेकिन ये 30 प्लस 8 पेजेस, ये बात तो पक्की है ना कि इन 38 पेजेस में से एग्जाम में 30 मार्क्स का आना है, ये तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता। और ये तो आप पिछले टाइम के पेपर देखो तो आपको खुद को दिखेगा ना, हाँ बिल्कुल ये तो तय है, बिकॉज इंस्टीट्यूट ने खुद ने क्या रखा है। तो कहीं ना कहीं ये हो जाता है हमारे लिए मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। व्हाई एम आई फोकसिंग अगेन एंड अगेन, बिकॉज द बैच के एंड में आपको स्टडी स्ट्रेटजी बताऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले। तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको चैप्टर 1, 2, 3 से शुरू नहीं करना है, अपन को पहले ये 30 मार्क्स का श्योर कर लेना कि घर आए फटाफट से पिछला एग्जाम देखें, पहले 30 मार्क्स का पढ़ के छोड़ दिया, क्योंकि एग्जाम में 30 मार्क्स आ जाएंगे। और मॉड्यूल के पेजेस कितने, 38 तो इतना सा होता है, 38 तो इतना सा होता है, और एग्जाम इट विल बी फॉर गुड 30 मार्क्स। तो ये हमारे लिए बहुत स्कोरिंग पार्ट होता है, इजी भी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक इसको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन डेरिवेटिव्स, बाकी सारे बहुत इजी से टॉपिक्स हैं यहाँ पे। ठीक है सर, ये हटता हूँ, अब मैं ऊपर पे आता हूँ यहाँ पे। तो ये ऊपर का चलता है अच्छे खासा 262, तो पेज नंबर 1 से लेकर 262, तो ये तकरीबन 250 पेज का मॉड्यूल है जो 11 चैप्टर्स हैं। मतलब सर सिक्योरिटीज लॉ का मॉड्यूल इज फॉर 250 प्लस 30, 260 मान लो, 260 प्लस 30, मतलब ओनली फॉर 290 पेजेस, एंड द आंसर इज येस, एंड दैट इज द रीजन वाई ऑन डे 1 आई एम ओपनिंग द मॉड्यूल इन फ्रंट ऑफ यू इन द क्लास, बिकॉज इसके मॉड्यूल को देख के डरना ही नहीं है कभी। इसका मॉड्यूल बाकी सब्जेक्ट के मॉड्यूल से डिफिकल्ट रहेगा, ये मैं खुद बोल रहा हूँ। क्यों डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज अपन को वैसे ही मॉड्यूल की लैंग्वेज लगती है डिफिकल्ट, और मॉड्यूल में भी वो सिक्योरिटीज लॉ जिसकी लैंग्वेज सबसे डिफिकल्ट रहती है। लेकिन आप ये भी तो देखो इंस्टीट्यूट ने कितने पेजेस दिए, सिर्फ 290, आपके घर पे मॉड्यूल आया होगा, इतना सा मॉड्यूल है सिक्योरिटीज लॉ का। सो कहीं ना कहीं दैट हैज टू बी अ मोटिवेशन कि आपको सिक्योरिटीज लॉ का मॉड्यूल तो पढ़कर जाना है, मतलब जाना है एग्जाम में। डिफिकल्ट स्टडी देन 70 बहुत आराम से यू कैन स्कोर, क्योंकि हर एक चैप्टर को पढ़ने का हमारा तरीका होगा कि हम पहले अच्छे समझ लेंगे क्या है, फिर अपन नोट से उसको पढ़ लेंगे, देर आफ्टर आपने एक बार मॉड्यूल पढ़ लिया तो रैप अप हो जाएगा। मॉड्यूल पढ़ते रहें, थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी बिल्कुल आएगी क्योंकि अपन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मॉड्यूल पढ़ना, लेकिन अगर आपने उसकी आदत डाल ली ना तो एग्जाम टाइम पे आप सुखी रहोगे। तो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर कि मॉड्यूल इज समथिंग यू कैन नॉट अवॉइड। खैर आई डोंट रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप डेली पढ़ो जो हो रहा है मॉड्यूल से, बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि एग्जाम के पहले मॉड्यूल जरूर पढ़नी है। एक चीज मैं सजेस्ट कर सकता हूँ एडिशनली, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन डू द नोट्स राइट नाउ अलॉन्ग विद द क्लास। अभी घर पे रूल बना लो कि नोट्स तो अपन को याद ही हो जाने चाहिए। मेरे नोट्स का एक भी वर्ड मेरी लैंग्वेज में नहीं है,
आप चाहो तो घर जाके क्रॉस चेक कर लेना मॉड्यूल से। तो मैंने हर एक चीज को क्या किया हुआ है, सिर्फ मॉड्यूल के कुछ चीज जो मुझे लगती है रिडंडेंट वो मैंने हटाई या किसी को समराइज किया होगा, बाकी हर एक वर्ड में मॉड्यूल से एज इट इज लेता हूं। तो अगर आपने मेरे नोट्स की एक भी चीज को याद किया है तो वो आपके एग्जाम में काम ही आने वाला है, बिकॉज यू गेट बेटर मार्क्स व्हेन यू यूज मॉड्यूल का लैंग्वेज, ये तो सबको ही पता है अपन को। तो अगर अपने नोट्स की चीज को थोड़ा सा हमें याद हो चुका है तो कहीं ना कहीं एग्जाम में याद करने एग्जाम में स्कोर करने में बहुत फ्रूटफुल रहेगा, एंड दैट इज दी ओनली की व्हाई स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग सो गुड मार्क्स एंड पास प्रीवियस अटेम्प्ट्स, बिकॉज ऑफ द पॉइंट कि अपनी मॉड्यूल में खुद की लैंग्वेज ही नहीं होती है, अपने नोट्स में मॉड्यूल की ही लैंग्वेज होती है, तो कहीं गलती होने का स्कोप ही खत्म हो जाता है। आपके एंड से आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि जब तक बैच चल रहा है आपको नोट्स तो अच्छे से समझने अंडरस्टैंडिंग 100% होना चाहिए, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। साथ में रिविजन इज समथिंग विच इज ऑन यू कि आपको एक्स्ट्रा रिविजन करके एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने। अगर बैच के साथ में आपने नोट्स भी याद कर लिए तो ट्रस्ट मी देर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम पासिंग द एग्जामिनेशन, इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक देन। तो आपको नोट्स पे एक्स्ट्रा फोकस क्लास के साथ में देना है, आप चाहें तो मॉड्यूल बैच के बाद पढ़ सकते हैं। किसी को लगता है मेरे पास अभी बहुत एक्स्ट्रा टाइम है तो डेली बेसिस पे चैप्टर खत्म होने के बाद में उस चैप्टर का मॉड्यूल भी पढ़ सकते हैं। बाकी आई वुड सजेस्ट आप चाहें तो बैच के बाद पढ़ सकते हैं अगर आपके पास रूटीन अभी फिक्स है तो। चलो, एनी क्वेरी हियर, कोई चीज मॉड्यूल के बारे में, ये ऐसा वैसा सर हमने पहले पढ़ा था ये प्रॉब्लम आती है, फिर ऐसा कुछ भी क्वेरी। कंफर्टेबल सर राइटिंग प्रैक्टिस, देखो अगर आप लोग ग्रुप वन कर चुके हैं या कर रहे हैं कंफर्टेबली तो राइटिंग प्रैक्टिस का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने कंपनी लॉ की प्रैक्टिस कर ली है तो सिक्योरिटी वुड बी लाइक अ केक वॉक। कंपनी लॉ में केस स्टडी क्वेश्चन ज्यादा होते हैं सो यू नीड टू डू राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से। सिक्योरिटीज लॉ टेक्निकल वर्ड्स हैं तो आपको ज्यादा फोकस रिविजन पर रहेगा। डेली अगर एक एक क्वेश्चन भी लिखा आपका, लेकिन आपका ज्यादा फोकस होगा रिविजन पे, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स याद है तो यू कैन कंफर्टेबली सेल थ्रू। चलो, दिस इज द एंटायर ओवरव्यू 70-30। अब एग्जाम के अंदर एक और चीज आती है, दैट इज एग्जाम कंप्राइजेस ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, व्हेन आई से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई मीन न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्लस थ्योरी क्वेश्चन। सर सिक्योरिटीज लॉ में न्यूमेरिकल आते हैं, आंसर इज यस। एग्जाम में 10-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं और 80-90 मार्क्स की आती है थ्योरी। तो आपके एग्जाम में ये बात तय है कि 10-20 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे। दोज न्यूमेरिकल क्वेश्चन मेक्स अ सब्जेक्ट मोर स्कोरिंग, बिकॉज आप वहां पे 10-10, 20-20 स्कोर कर सकते हैं, तो वहां पे आपके लिए बाकी थ्योरी के ऊपर से प्रेशर कम हो जाता है। सर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब हमारे चैप्टर्स चलेंगे तब मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि म्यूचुअल फंड से आता है तो जब म्यूचुअल फंड का चैप्टर हम पढ़ेंगे तब उसका फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सारे देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, दिस इज जस्ट अ नाइस ओवरव्यू ऑन द एंटायर सिलेबस। आर यू अंडरस्टैंडिंग, एनी क्वेरी है? अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए ना। मान लो मैंने 10 दिन बाद 3 एक्ट और एक रेगुलेशन पढ़ा दिया तो आपके दिमाग में क्लियर है 3 एक्ट 11 रेगुलेशन 2 चैप्टर, बस यही पढ़ना है अपन को। हाँ, इतना तो हो चुका है, इतना बाकी है। सो आपके माइंड में एक माइंड मैपिंग चलती है कि ओवरऑल सिलेबस का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। मेरे नोट्स और आपको मॉड्यूल के अंदर जो चैप्टर स्ट्रक्चर है कि चैप्टर वन उनका चैप्टर वन सेम मिलेगा, सिर्फ मैंने एक चेंज किया है मॉड्यूल का। जो ये 2 चैप्टर थे उसमें से एक चैप्टर बहुत बड़ा है फॉर 30 पेजेस, तो उसको मैंने मेरे नोट्स के अंदर चैप्टर 14 तक सब कुछ सेम चलेगा। मॉड्यूल्स का चैप्टर वन अपना चैप्टर वन, मॉड्यूल का चैप्टर 9 अपना चैप्टर 9, मॉड्यूल का चैप्टर 14 अपना चैप्टर 14। लेकिन फिर मैंने क्या किया है, मॉड्यूल का जो चैप्टर नंबर 15 है उसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है और ये मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 16 है। आपको समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, रैदर देन हैविंग अ 30 पेज का चैप्टर आई हैव डिवाइडेड इनटू 8 पेजेस के 4 चैप्टर, जिससे कि वो पढ़ते टाइम कंफर्टेबली अपन को छोटे चैप्टर्स याद इजीली रहते हैं। तो इसलिए अपन ने सिर्फ मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 15 को 4 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, कैपिटल मार्केट इंस्टीट्यूशन, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म इस तरह से, और चैप्टर 19 अगेन आज द सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स। समझ में आ रहा है क्या होगा, जब आप मॉड्यूल पढ़ेंगे तब भी आपको तकलीफ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मॉड्यूल ने ये आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है गरीब सा, इसमें कुछ भी नहीं है 16। जो 15th चैप्टर है इसके अंदर मॉड्यूल ने इंटरनल बाइफर्केशन दिया है वैसे, तो हमने उसको फाइनली चैप्टर्स में डिवाइड, क्योंकि जब आप ये मॉड्यूल से पढ़ते हैं तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, बहुत ही बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होता इतना बड़ा। सो व्हाट वी हैव डन, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये चैप्टर का पार्ट 2 है, अभी वही चैप्टर चल रहा है, ये वही चैप्टर चल रहा है। सो देन द चैप्टर इज वेरी लेंदी, वेरी लेंदी, वेरी लेंदी। सो फ्रॉम आर अकेडमिक लुकआउट व्हाट वी हैव डन, वी हैव डिवाइडेड दिस लेंदी चैप्टर इनटू 4 चैप्टर्स, कंटेंट वही रहेगा, अपने 4 चैप्टर में डिवाइड कर लिया ताकि अपन को रिविजन करते टाइम पढ़ते टाइम थोड़ा सा
कंफर्ट लेवल रहता है. सो सिंपली अपने नोट्स में आपको 19 चैप्टर्स मिल सकते हैं, मॉड्यूल में 16 मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंस. वेरी क्लियर? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. सबसे पहले आप क्या करते हैं, आपको इंडेक्स के पास में एक पेज मिलेगा ओवरव्यू, उस ओवरव्यू के पेज में ये सब लिख दो फटाफट से, ताकि आपके पास में बाद में आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगा. इंडेक्स के पास में एक पेज होगा ओवरव्यू, उस ओवरव्यू के अंदर थोड़ी चीजें लिखी है, थोड़ी चीजें एडिशनल लिखनी है, तो जो एडिशनल लिखना है लिख के रैप अप कर दो. कंफर्टेबल है? एकदम चले? चलो यार अब आते हैं कुछ बेसिक्स के ऊपर. चलो इज इट कंफर्टेबल विद एवरीवन? सबका हो चुका है ना वो, ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पता होता है तो कि अपन का ओवरऑल एक मजा आता है कि हाँ अपना इतना हुआ, एक ओवरव्यू क्लियर है बस, बाकी सब्जेक्ट ओरिएंटेड. तो अब हम शुरू करते हैं. नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ फ्यू बेसिक पॉइंट्स. कैसे आ रहा हूं, ये बेसिक्स जब तक आपको पता नहीं तब तक आप कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते. तो एक बार हो सकता है क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज पहले से पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी, तो मैं एक बार सबको क्या सेम लेवल पे ला रहा हूं ताकि वहां से अपन स्टार्ट करें. तो सिक्योरिटीज लॉ मॉड्यूल पढ़ने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए, वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिक्स. वंस वी आर क्लियर विद दीज बेसिक्स फिर अपन कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अपन मोस्टली सीक्वेंस में चलेंगे 1, 2, 3, 4 की, ताकि अपने दिमाग में क्लैरिटी रहे. सबसे पहले अपन तीनों एक्ट ही पढ़ने वाले हैं. पहले बेसिक्स ऑफ सिक्योरिटीज, ओके, हमें क्या पता होना चाहिए बिफोर रीडिंग सिक्योरिटीज लॉ. ओके, सबसे पहली चीज एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज लॉ. क्या बात है, कंपनी दो प्रकार की होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. कोई ये नहीं बोलेगा सर तीसरे टाइप की भी होती है ओपीसी, ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली. तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से दो ही टाइप की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. ओके, among public companies there can be further two type of public companies, listed companies and unlisted companies. पूरी क्लास का फोकस यहां पे, मैं अभी भी कह रहा हूं कैसा हो जाता है कभी कभी कुछ बारीक चीजें जो हमें पता नहीं होती है और उस चक्कर में अपन एक बड़ी मिस्टेक कर जाते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन को समझ नहीं पाते. तो अपन एकदम इजी ले रहे हैं, अपन को कोई जल्दबाजी नहीं है चीजों की, सिलेबस की. अपन सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं एंड तक, फिर अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. कंपनी दो टाइप की, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, ठीक है सर आपने कहा मान लिया. उसके बाद में लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी. अब सबसे पहले सवाल आता है सर व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी. एकदम आराम से बिफोर कंप्लीटिंग दिस, लिखने की जल्दबाजी नहीं, आई विल गिव यू टाइम टू राइट. को एकदम चिल रहो, बैठे रहो, जो चीज नहीं समझती है यू जस्ट आस्क मी इमीडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं अपन को, वी गोइंग टू गो वेरी स्लो, एकदम आराम से. फिर सवाल आता है व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, ऊपर वाला मैं वापस कंप्लीट करूंगा. व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? ओके, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी हूज शेयर्स आर
listed on stock exchange. सर क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं समझ रहा. लिस्टेड कंपनी रेफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. नहीं सर, स्टिल नॉट विथ यू, नॉट फॉलोइंग यू. सबसे पहले तो सवाल ये आ जाता है, व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? एकदम आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चल लेते हैं. स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी. एकदम आराम से, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग सिक्योरिटी. एकदम, सब्जी मंडी क्या होता है? ये एक जगह है जहां पे जाके हम सब्जी खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं. सर बेच भी सकते हैं, अरे आप लोग हमेशा सब्जी खरीदने का इसका है मतलब थोड़ी सब लोग सब्जी खरीदने आते हैं, कोई व्यक्ति यहां पे सब्जी बेचने भी तो आता है. तो इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर यू कैन बाय एंड सेल वेजिटेबल्स, एज इजी एज दैट. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, अ प्लेस वेयर वी कैन एक्सचेंज स्टॉक. स्टॉक मतलब शेयर्स. स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटी. हमें शेयर्स खरीदने हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज जाएंगे. हमें शेयर्स बेचने हैं, स्टिल हम स्टॉक एक्सचेंज के पास जाएंगे. तो इट्स अ मार्केट प्लेस वेर वी कैन बाय और सेल सिक्योरिटीज. ओके सर, कोई एग्जाम्पल दो फटाफट हमको. बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. एक और गलतफहमी दूर कर देता हूं, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज. अ लॉट ऑफ पीपल फील कि इंडिया में सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज है. गलतफहमी वापस, इंडिया में सिर्फ दो स्टॉक एक्सचेंज नहीं है. ये दो स्टॉक एक्सचेंज इंडिया के सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज एनएससी बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, मुंबई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई. ये दो सबसे पॉपुलर हैं. इसके अलावा इंडिया में 15-20 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे कि अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है, बड़ौदा स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन ये दो सबसे पॉपुलर वाले हैं. दो सबसे पॉपुलर वाले हैं इसलिए हम सब लोग इनको पहचानते हैं. बाकी इसके अलावा भी इंडिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज रेफर्स टू अ मार्केट प्लेस वेयर वी कैन बाय अ सिक्योरिटी सेल अ सिक्योरिटी. तो क्या हुआ, कुछ लोगों ने मिलकर एक मार्केट प्लेस बनाया कि यहां पर आप कोई भी सिक्योरिटी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो. एग्जाम्पल ले लो अमेजन का, किसी ने अमेजन बनाया, किसी ने फ्लिपकार्ट बनाया होगा. तो मान लीजिए, आज मान लीजिए फ्लिपकार्ट, हमने बंसल ब्रदर्स आई गेस, तो उन लोगों ने फ्लिपकार्ट क्रिएट कर दिया. फ्लिपकार्ट पे आई वॉन्ट टू सेल माई बुक ऑन फ्लिपकार्ट, आई विल हैव टू कॉन्टेक्ट फ्लिपकार्ट, राइट? एंड फ्लिपकार्ट पे जाके मुझे मेरी बुक को क्या कराना होगा, लिस्ट कराना होगा, और फिर कोई भी व्यक्ति फ्लिपकार्ट से मेरी बुक बाय कर सकता है. सही है एकदम आराम से. सिमिलरली अ फ्यू पीपल स्टार्टेड स्टॉक एक्सचेंज, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट किया. लेकिन जो भी कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे बेचना चाहती है, उस कंपनी को पहले वहां जाके क्या कराना होगा, अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना होगा. और उस तरह से इंडिया में जितनी कंपनीज ने स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स को लिस्ट कराया, दोस कंपनीज आर नोन एज लिस्टेड कंपनी. स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया में बहुत सारे हैं. अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे भी अगर मैंने आज कंपनी स्टार्ट की, एक पब्लिक कंपनी को ले जाके मैंने अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करा दिया, मतलब कोई भी व्यक्ति यहां से शेयर्स खरीद सकता है. माय कंपनी विल फ्रॉम दैट डे बी टर्म्ड एज अ लिस्टेड कंपनी. लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं कि वहां से आप खरीद सकते हैं, वहां से आप बेच सकते हैं. तो लिस्टेड कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग के लिए अवेलेबल रहते हैं. स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या हो गया, एक मार्केट प्लेस जहां पे खरीदी बेची जा सकती है. लिस्टेड कंपनी, अ कंपनी रिफर्स टू अ लिस्टेड कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो हम खरीद बेच सकते हैं. ओके ठीक है सर, वापस आते हैं. कंपनी दो टाइप की, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी दोनों नहीं. पब्लिक कंपनी के अंदर फर्दर दो कैटेगरी आएगी, लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी. तो सिंपली पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी, अगर मैं बात करता हूं एग्जांपल दो सर कुछ. अरे मैं कह रहा हूं हम बोलते रहेंगे और एग्जांपल्स खत्म नहीं होंगे.
रिलायंस लिमिटेड, किर्लोस्कर, लार्सन एंड टूब्रो। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हम लिखते रहेंगे येस बैंक, हम लिखते रहेंगे और ये कभी पेज इंडस्ट्रीज, एमआरएफ, ये सारी कंपनीज क्या हैं, लिस्टेड कंपनी। मैं कह रहा हूं जो जो पॉपुलर कंपनीज हमको पता है वो सारी होगी लिस्टेड कंपनीज। ये एक पब्लिक कंपनी थी और इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है। अगर आज मुझे शेयर खरीदना है तो आई कैन बाय डायरेक्टली फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, सो दैट इज अ लिस्टेड कंपनी। सर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ये बहुत रेयर होती है, बहुत रेयर होती है अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, लेकिन उसका एग्जाम्पल बिल्कुल मिल जाएगा आपको, जैसे कि उसका एक बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल बीच में हुआ था, सहारा। सहारा लिमिटेड इट इज अ पब्लिक कंपनी, लेकिन इन्होंने खुद को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं करवाया है, तो वो बन गई एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। ओके, और प्राइवेट कंपनी तो मतलब एग्जांपल क्या दूं मैं आपको, इंस्पायर प्राइवेट लिमिटेड। तो आई गेस प्राइवेट कंपनी में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, किसी ने भी अगर आज एक प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर दी तो वो एक प्राइवेट कंपनी कैटेगरी में आती है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। हम ये बोलो सर अभी बोले, मैंने आपको क्या बोला, आज के बाद पूरे बैच में मैं यही बोलूंगा, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी अ लिस्टेड कंपनी। अपन एग्जाम लुकआउट से बात करते हैं, अपन कंफ्यूजन एग्जाम लुकआउट में क्रिएट नहीं कर सकते, एग्जाम में आप ज्ञान नहीं बांट सकते ये ऐसा 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 नहीं, मॉड्यूल के हिसाब से हमें चलना है। तो भाई सिंपल, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, लिस्टेड, प्राइवेट कंपनी ऑलवेज अनलिस्टेड, तो ये तीन कैटेगरी फर्दर हो गई। ठीक है सर, अब सर ये यहां पे क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मेरा टॉपिक है आपको एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कंपनी लॉ इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्लियर हूं मैं, कंपनी लॉ का मतलब क्या हो गया, जो आप कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल्स, कंपनीज केस लॉज, ऑल ऑफ दोज आर एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सब पे। चलो नाउ सिक्योरिटीज लॉ। सर सिक्योरिटीज लॉ क्या है, हमारे लिए सिक्योरिटीज लॉ का मतलब हो गया तीन एक्ट और 11 रेगुलेशन। हमारे लिए सिक्योरिटी लॉ का मतलब वो तीन एक्ट और 11 रेगुलेशन जो हमारे इंडेक्स के अंदर दिए हैं। दीज आर दीज एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनी, नो। आर दीज एप्लीकेबल ऑन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज, नो। दीज आर ओनली एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज। तो हमारे लिए जो हम पूरा पढ़ेंगे 70 मार्क्स का, ये एप्लीकेबल किस पे है, दीज विल बी एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली ऑन लिस्टेड कंपनीज। सर लिस्टेड कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सर स्टॉक एक्सचेंज मतलब एक मार्केट प्लेस जहां पे आप बाय सेल कर सकते हैं, उसके इंडिया में बहुत एग्जांपल है, उसके इंडिया में बहुत एग्जांपल है। पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी था, फिर बीच में बंद कर दिया गया था, अब उसको वापस रिवाइव किया जा रहा है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस बंद होते हैं, चालू होते हैं, ये भी होता है। सर ये सब कौन करता है, हमारे सिक्योरिटीज लॉ का माई बाप एक ही है, सेबी। सेबी पूरा गवर्न करेगा। सो सेबी के बारे में कब पढ़ेंगे, सेकंड एक्ट आएगा ना सेबी एक्ट, तब सेबी के बारे में सब कुछ हम वहां पे पढ़ेंगे कि सेबी क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसके पावर्स क्या है, वो कैसे बनाता, क्यों बनाता, कब बनाता, तो वो सारी चीजें वहां पर आएगी। तो ये हो गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटीज लॉ, कि ये जो हम 70 मार्क्स के लिए पढ़ने वाले हैं, अप्लाई किस किस पे होता है, इट अप्लाइज ऑन ऑल द लिस्टेड कंपनीज। वेरी कंफर्टेबल एंड क्लियर आई गेस, ठीक है सर, इसके ऊपर अप्लाई होता है, समझ में आ रहा है। कल को हम प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कंफ्यूज नहीं होंगे, वो हमारे लिए ग्रुप टू में रेलेवेंट ही नहीं है, हमारे ग्रुप वन में भले रेलेवेंट होगा। ओके, व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी रिफर्स टू अ कंपनी हुज शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, वेरी इजी। व्हाट इज अ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग, एंड दीज टू आर नॉट दी ओनली स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ओके, दीज टू आर नॉट दी ओनली स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया, यू विल गूगल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, तो वहां पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, बहुत सारे हैं। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एक्सचेंज एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, चैप्टर वन में वही पढ़ने वाले हैं, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके सर, इज एवरी वन कंफर्टेबल विद द फर्स्ट एंड द सेकंड टॉपिक, एप्लीकेबिलिटी, ये सब सबको समझ में आ रहा है। लिखने का लोड मत लो, मैं आपको टाइम दूंगा, चल एकदम, आपको जस्ट द पर्पज ऑफ कमिंग हियर इज नॉट कॉपिंग द नोट्स, वो तो आप घर पे बैठ के भी किसी के नोट्स कॉपी कर लेते ना, तो यहाँ पे आपको मजा आना चाहिए भाई, मतलब ये सब्जेक्ट है अपना, ये अपन फोड़ के दिखाएंगे, तो वो अगर फील आ रहा है तो देन द पर्पज इज सर्व। चलो छोड़ो, फर्स्ट में जो लिखा है पूरा समझ में तो आ रहा है ना सर, कंपनी प्राइवेट पब्लिक अनलिस्टेड लिस्टेड, ये इस पे एप्लीकेबल, इस पे एप्लीकेबल नहीं है, अरे बिल्कुल सर, कोई तकलीफ ही नहीं है, एलएनटी गलती से आ गया, एलएनटी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है सर, ये कंफर्टेबल है। सर व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी, हाँ कंफर्टेबल है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कंफर्टेबल है, ओके ओके, फेयर आइडिया।
नाउ व्हाट इज सेबी, एकदम कंफर्टेबल, कैसे सेबी क्या है आखिर? पहले ऐसे ही फुल फॉर्म लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है सर? ये तो हमें भी पता था, सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आया कहां से, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली, सेबी कैसे आया, इंडिया में कैसे फंक्शन करता है, एक बार स्ट्रक्चर समझो। हर एक स्टेट इज गवर्न्ड बाय देयर स्टेट गवर्नमेंट, ओके, एंड द सेंटर इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है सर? हमें समझ में आ रहा है, ज्यूरिसडिक्शन ऐसा इंडिया में फंक्शन करता है, सेंटर पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, हर एक स्टेट में एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक पावर को डिवाइड कर दिया है, कुछ दिया है सेंटर को, कुछ दिए हैं पावर स्टेट को, और कुछ उनको दिए कॉन्करेंट लिस्ट, पढ़ा होगा ना बचपन में कहीं पे, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो कैटेगरीज आती है उनकी पावर दोनों के पास है, ठीक है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसके पास है। तो अगर वो लिस्ट वन में मेंशन है तो पावर सेंटर के पास जाती है, लिस्ट टू में मेंशन है तो पावर स्टेट के पास जाती है, लिस्ट थ्री में मेंशन है तो पावर डिवाइड होती है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल में डिटेल में दिया है, ठीक है, वो हमारे काम का नहीं है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब कैसा है ध्यान से समझना, सिक्योरिटीज लॉ गवर्न करना इज अ पावर विद द सेंटर, सेंटर की पावर है कि सिक्योरिटीज लॉ के रूल बनाना, गवर्न करना, ओके। जो जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको एडमिनिस्टर करने के लिए कभी कभी एक बॉडी बना देता है, कभी कभी एक बॉडी या फिर एक मिनिस्ट्री बना देते हैं। जैसे कि अपनी जो एक मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एकदम आराम से हमारे लिए।